पार्लियामेंट में भेजा था, कत्ल होने के लिए नहीं भेजा था। शोहदा में कोई फर्क नहीं डालना चाहिए कि क्या वो फौजी था या वो कोई सिविलियन था। हवाएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसकी रोशनी दिलों में है, दिमागों में है। उसकी रोशनी जो है वो सबको पता है कि उसकी क्या रोशनी थी, पार्लियामेंट से लेके और पूरे आला ऐवानों से लेके और लोगों के दिलों में। आप लोग क्या समझते हैं, हर चीज़ सियासत से शुरू होकर सियासत पे ख़त्म होती है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासत से बालातर हैं, उनको भी समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। इतना पता होना चाहिए कि क्या फ़राइज़ हैं और क्या हकूक़ हैं। मैंने अपने बेटे को पार्लियामेंट में भेजा था, कत्ल होने के लिए नहीं भेजा था। मेरा नाम सैयद अखलाक हुसैन आबदी है, मैं अली रज़ा शहीद का वालिद हूँ और आप जिस जगह पे खड़े हैं ये उसकी बिज़नेस की जगह होती थी, जिससे अब मैं उसके बच्चों को पालता हूँ। देखिए, आज शहीदों का दिन है, यानी वो पाकिस्तान के शहीद जो हमारी और आपकी हिफाजत करते हैं और इस मुल्क के दिफा में उन्होंने जाने दी, और आज उनकी याद का दिन है। तो अली रज़ा के दोस्तों ने मेरे से कहा कि सर, हम वहाँ पे आना चाहते हैं बॉर्डर पर, और आकर अली रज़ा और उन शहीदों की, फौजियों की, ये सब की याद में एक विजिल करेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल आप आएं, और आज ये प्रोग्राम सिर्फ उसी सिलसिले में है कि 6 दिसंबर के हवाले से जो हमारे कौम के जो हमारे फौजी हैं, नेवी है, फोर्स है, और 65 की जंग में या उसके बाद उन्होंने अपनी जानें दी हैं, तो उनके साथ साथ मैं समझता हूँ कि उन शोहदा का भी हम जिक्र कर सकते हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी हैं। और अली रज़ा आबदी और उसके जैसे और बहुत सारे लोग भी, मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क के शोहदा में कोई फ़र्क नहीं डालना चाहिए कि क्या वो फौजी था या वो कोई सिविलियन था। तो आप लोग सब आएँ, उसी की हम याद को आज मना रहे हैं, और मैं सिर्फ आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि आप सब यहाँ आए और आपने इस दिन को मनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस महफिल में मौजूद तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। आज क्योंकि आज की तकरीब यौम दिफाए पाकिस्तान के दिन और शहीद अली रज़ा आबदी भाई के इसाले सवाब के लिए और इस दिन के यादगार में रखी गई है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो खर्च भी उतारे हैं जो वाजिब भी न थे। इसके साथ साथ जनाब अली आबदी भाई, वालिद अली रज़ा आबदी भाई, उनकी वालदा और उनके पूरे अहलो अयाल से, यहाँ तमाम अली भाई के दोस्तों से, उनके साथियों से, बुज़ुर्गों से, दिल की गहराइयों से अफसोस ताज़ियत के आज के दिन तक अली भाई के कातिल ना तो आइडेंटिफाई हो सके ना ही उनको गिरफ़्तार किया जा सका। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है, और इसके साथ साथ क्योंकि आज 1965 की मुनासबत से एक तारीखी दिन की यादगार का भी दिन है, पाकिस्तान अफवाज के तमाम सिपाहियों को खराज तहसीन। हाज़रीन महफिल, मीडिया के दोस्तों और अली रज़ा आबदी शहीद भाई,
के साथियों, अहले खाना और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। फिजाओं में ना ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। फिजाओं में ना ढूंढू तू, ना ही मकबरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं अनल हक की पुकार हूँ, ना इधर उधर तलाश कर। मैं हूँ नाम लेवा हुसैन का, मुझे खंजरों में तलाश कर। मेरे भाइयों और बहनों, आज का ये मौका बिल इत्तफाक, मुहर्रम का महीना अभी जारी और सारी है, और ये 6 सितंबर का यौम दिफा का मौका आया, और अली रज़ा भाई के चाहने वालों ने इस दिन की मुनासबत से आज यहाँ प्रोग्राम रखा। मुझे यकीन है कि जो कौमें और तबके अपने शहीदों को याद रखती हैं, उनकी लाजवाल क़ुरबानी को याद रखती हैं, और उनके मिशन और मकसद को याद रखती हैं, वही कौमें सफाए हस्ती पर जिंदा रहती हैं और बाकी रहती हैं। बाकी कौमें सफाए हस्ती से मिट जाती हैं। हम जहां आज खराज अकीदत पेश कर रहे हैं 1965 की जंग के शहदा को, कि उनकी कुर्बानियों के तुफैल हमें ये मौका मिला कि हम आज़ाद फिजाओं में सांस लें, हम सर उठाकर चल सकें, तो मैं समझता हूं कि यही वो मौका है कि जब हम 65 की जंग के शहदा को खराज अकीदत पेश करें, हम शहदाए तहरीक पाकिस्तान को भी हम खराज अकीदत पेश करें। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस मुल्क की बका और सलामती को दवाम देने के लिए मेरे शहीद बेटे और भाई अली रज़ा आबदी शहीद ने मुल्क की जमहूरियत को तहजीब देने के लिए, मुल्क की जमहूरियत को बेबाकी देने के लिए, पाकिस्तान के क़याम के मकसद पर लोगों को मिलाने के लिए उसने जो बीड़ा उठाया, उसने जिस जद्दोजहद का आगाज़ किया और उसकी पादाश में उसे हमसे छीन लिया गया। मैं शहीद अली रज़ा आबदी भाई को भी ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े मकसद और मिशन के लिए जामे शहादत नोश किया। पहले मैं कहता था कि कुछ देर की खामोशी है, लेकिन आज मैं बड़े एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहदाए 1965 पाइंदाबाद, और अली रज़ा शहीद भाई जिंदाबाद पाइंदाबाद। पाकिस्तान में शहीदों का जो नौन महीना है, जाना पहचाना दिन है, वो 6 सितंबर का है, और आज 6 सितंबर को पाकिस्तान के लिए जान देने वाले शहीदों के, फौज के, अफवाज पाकिस्तान के शहीद होने वाले उन जवानों के याद को मनाते हैं, के साथ साथ उन्होंने इस शहर में बेगुनाह हलाक होने वाले, जिनको शहीद ही कहा जा सकता है, जो हालिया बारिशों में हुए, और जो इस मुल्क और इस शहर के लिए कुर्बानी देते हुए हुए यहाँ पर पहुँचने के बाद, जब मैं अली रज़ा आबदी भाई की तस्वीर को देखता हूँ, शहीद को देखता हूँ,
उनकी वालदा और उनके वालिद के ख्यालात अभी आपने भी सुने, मैं भी यहाँ बैठा सुन रहा था जितनी इस्तकामत से और दर्दमंदी से उन्होंने इजहार ख्याल किया। वाकई सच्चे शहीदों के वालिदैन ऐसे ही होते हैं, आज भी पूरी हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं और अपने जो जिगरे गोशा थे हमारे दोस्त हमारे भाई अली रज़ा का भी ज़िक्र किया और उन्होंने इस शहर के जो दूसरे मसाइल हैं और जो दूसरे मामलात हैं उसका भी ज़िक्र किया। बहरहाल ये वक्त तो नहीं है किसी भी किस्म की सियासत या कोई भी सियासी बात करने का या कोई भी सियासी शेर सुनाने का, इसलिए कि ये शहीदों का दिन है। लेकिन एक मैसेज ज़रूर आपको दूंगा और फिर अपनी बात ख़त्म करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिटीज़न मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बाखबर बाइख्तियार कराची की बात की गई। वाकई बाइख्तियार कराची की ज़रूरत है, कराची को इख्तियार की ज़रूरत है, मेयर को नहीं। मेयर्स को इख्तियार मिलेंगे एक को दूसरे को तीसरे को, सबकी कहानियां सबके सामने हैं। अब लोग कहेंगे कि मेयर को नहीं कराची को कैसे, कराची को वैसे ही इख्तियार की जरूरत है जैसा इख्तियार 47 में आजादी के वक्त जैसा कराची एक छोटी सी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। सबसे पहले तो हमारे शोधा 1965 के जब से लेके अब तक या जब से पाकिस्तान बना है, जितने भी पाक अफवाज के लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी हैं उन सबको खिराज तहसीन है मेरा। पाक अफवाज को इस मुल्क में नाले साफ करने के लिए आना पड़ा इस शहर कराची में, जिनका काम सरहदों को संभालना है, उनको हमारे इन तमाम लोगों की नाअहली की वजह से, हमारे इन जो इख्तदार में लोग हैं उनकी नाअहली की वजह से, जब से ये मुल्क बना है या पिछले 40 साल से खासकर जो सिंध में हुकूमत है, अगर वो काम कर लेते तो शायद आज हमारी पाक अफवाज की जिम्मेदारियां मज़ीद ना बढ़ जातीं, जिसके बाद जो हो रहा है इस शहर में आपके सामने है। चल आज पाकिस्तान में शोधा की याद में एक दिन मनाया जा रहा है। 1947 से लेकर अब तक और जंग आज़ादी से लेकर अब तक के तमाम शोधा की बुलंद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, कबूल व मकबूल फरमा। या अल्लाह खुसूसन बिलखुसूस अपने भाई हमारे प्यारे दोस्त अली रज़ा आबदी मरहूम की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। या अल्लाह उसके मकसद में हम सबको कामयाब फरमा। या अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह उसकी खबर को उसकी आखरत के मामलों को गोशाए जन्नत में जगह दे। या अल्लाह उनके लवाहिकीन को, उनकी वालदा को, सभी आंटी को, उनके वालिद को, उनके बीगम उनकी बीवी को, उनके बच्चों को इस खबर करने की तौफीक अता फरमा और जो उस पर खबर कर रहे हैं या अल्लाह उस पर उनको अजर अजीम भी दे।